started, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wise. तो गाइस आ चुके हैं पालोलिन बीच। ये यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, एक्चुअली काफ़ी फेमस बीच है साउथ गोवा का, इसका एक अलग ही चार्म है। और इस बीच पे सारी शॉप्स खुली हुई है ऑलमोस्ट, मतलब सब कुछ पहले सा दिख रहा है यहाँ पे मुझे, मतलब शॉपिंग शॉप, बियर का शॉप बाहर खुला हुआ है और यहाँ पे शेक्स भी ओपन है सारे, तो वो बहुत सही चीज़ है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सोचा कि बीच घूमने के पहले, क्योंकि अभी तो दिन हो रहा है, तो पूरा हमने सोचा थोड़ा शॉपिंग देख लेते हैं। विजय को भी करना था, मुझे भी करना है, काफ़ी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, शॉपिंग करते हुए बियर पी रहे हैं, अलाउड नहीं शायद तक ऑफिशियली, तो इसलिए मैं साइड में पी रहा हूँ, अगला बार नहीं लूँगा। बैठने का जगह मिल गया, थोड़ा लेटने का मतलब, इन शॉर्ट सही जगह है यहाँ पे, सामने बीच है। इसका नाम क्या है? कैफे डेलमार। ये रहने का भी है यहाँ पे, कॉटेजेस है तो सही है ये काफ़ी। ये अकेली शॉप दिख रही थी जहाँ पे ये लगा रखे थे स्लीपिंग वाले, तो हमने सोचा यहाँ ही बैठ जाते हैं, बेटर रहेगा, थोड़ा टाइम बिताना है यहाँ पे हमको। और आगे का क्या घूमना है आज अगर पॉसिबल है, तो वो विजय देख रही है क्या क्या घूम सकते हैं आज। और एज यूजुअल गोवा है तो हम मंगा ही लेते हैं, बियर सस्ती मिलती है, तो विजय का भी चीज़ें आ रहा है। बस बैठेंगे थोड़ी देर, यहीं टाइम पास करेंगे। पालोलिम में नहाने के बाद अभी हम सोच रहे हैं क्या करें नेक्स्ट। आज कानाकोना आइलैंड करके है, हाँ वो एक आइलैंड दिख रहा है सामने, कनेक्टेड है। आज का प्लान में जो था वो तो हो गया, वैसे काफ़ी रिलैक्स प्लान कर लिया था आज का, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन है आइलैंड का। बस आइलैंड आने ही वाला है। आइलैंड एक्चुअली पालोलिम घुसते ही राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम पे है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गोवा में काफ़ी जो बीच पे रहने का होता है ना, ये बाम्बू वाटर, उनका सबका काम चल रहा है काफ़ी जगह। अभी लोग प्रिपरेशन में आ रहे हैं, जो दिसंबर का क्राउड आने वाला है ना यहाँ पे, वो कल बोल रहे थे ना कि मॉनसून के बाद उनको फिर से उसको, हाँ। तो गाइस ये आइलैंड आ चुका है, एक्चुअली अभी पानी कम है इसलिए आइलैंड जैसा दिख नहीं रहा है, कनेक्टेड दिख रहा है दोनों, बट एक्चुअल में ये मैप पे यहाँ पे अभी पानी होना चाहिए, है पानी बट पूरा नहीं है। सो यही है, आते ही वो लोग होल में चल जाते हैं। ये तो अलग दिख रहे हैं, थोड़ा इनका रेड डम सब घुस जाते हैं एकदम से खाते। तो गाइस ये है वो आइलैंड, शायद तो इसको क्या मंकी आइलैंड भी बोलते हैं, कानाकोना आइलैंड। देखते हैं यहाँ कुछ है, वैसे कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है, रॉक दिख रही है एक बड़ी ऊपर। इस जगह का चयन किया गया है ड्रोन उड़ाने के लिए।
शार्क। गाइस तो हम पहुंच गए हैं पार्टने बीच। ये पालोलिम बीच के लगभग 2 किलोमीटर बगल में ही है, तो प्लान है यहाँ सनसेट देख के ही अगोंडा के लिए निकलने का जहाँ हमारा स्टे है। तो गाइस पाटने बीच पे हैं हम। इंग्लिश में देखो तो इसमें एम भी आता है, पता नहीं क्यों आता है लास्ट में। तो हमने अच्छा हुआ हिंदी में पढ़ लिया था पाटने बीच है, नहीं तो हम गलत बोल रहे थे अभी तक इसको। तो बस ये भी ठीक ठाक बीच है, मतलब ओके है, आ सकते हो। सनसेट अच्छा हो रहा है सामने यहाँ पे, वो सही है। हो गया पाटने बीच, सनसेट काफ़ी अच्छा हो रहा था यहाँ पे, मतलब सेंटर में हो रहा था एकदम, तो सही था। सनसेट हो गया है, अब निकलेंगे अपने घर की तरफ। और कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन मेनली बीचेस ही करा ना अपने। पहला गालजी बाग किया, बहुत गर्मी थी। हाँ पालोलिम किया, और ये तो अनप्लान था पाटने, तो पालोलिम बीच पे काफ़ी टाइम रुके आज हम। सही था वैसे तो, ठीक है। मतलब अभी कल का प्लान है बटरफ्लाई बीच, वहाँ पे जाने का, देखते हैं क्या सीन रहता है। चलो निकलते हैं फिर अभी हम। कहाँ गाड़ी रखी थी यार? यहाँ रही है, रही रही पूरा गाड़ी रखने का पॉइंट। यार अपना स्कूटी यही है ना? तो गाइस हम आ गए हैं आज घूम के, काफ़ी देर हो गई। एक्चुअली हम आ गए थे 7 बजे, अभी 8:15 बज गया है। जो फ़ोटो खींचे थे वो सब देख रहे थे, और अभी विजया एक फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डाल रही है। और बस हम निकलेंगे अभी खाना खाने, हमारे यहीं है जो कल था, बहुत सही था वहाँ खाना, तो वहीं जाएंगे। और क्या कल का फिर प्लान बताते हैं, कल क्या सीन है, अगले व्लॉग में क्या आएगा।